हाँ, भगवान को शयन क्यों कराते हैं? बड़ा अच्छी बात है। देखिए, भगवान के ना दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक है भगवान बड़े महान हैं, लॉर्ड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, और दूसरी बात है कि भगवान बड़े मधुर भी हैं। भगवान मधुर भी हैं, मधुर होने का मतलब क्या? भगवान लीलामय भी हैं। तो भगवान सिर्फ ग्रेट ही नहीं है, भगवान स्वीट भी हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को महान मानते हैं, लेकिन साथ ही भगवान को मधुर भी मानते हैं। मधुर होने का मतलब है भगवान के साथ जो सेवा की भावना होती है वो, तो भगवान को आराम भी कराते हैं। ये आत्मीयता है भगवान के साथ। वैसे भगवान को रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान थक गए हों, उनको नींद आ रही है, कह रहे भाई तब से खड़ा रखा हुआ है तो लेट जाऊं, फिर हमने दोपहर में चलो ठीक है दोपहर में 3 घंटा सो जाओ, फिर रात को 9 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक सो जाओ। भगवान को तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन हम क्यों रेस्ट कराते हैं भगवान को? ये भगवान, ये भक्त की भावना है भक्त भगवान की ओर, कि भगवान को हमें रेस्ट भी कराना है। कोई पूछे भगवान को भूख क्यों लगाते हो? उनको क्या भूख लगती है? क्या उनके पेट में क्या गैस्ट्रिक एसिड है? भूख लगती है, बड़ी भूख लगी है, कुछ तो दे दो। और फिर कह लो थोड़ा माखन मिश्री खा लो, हम तो 56 भूख खाएंगे, तुम माखन मिश्री खा के अपना काम चलाओ। क्यों खिलाते हैं भगवान के भक्त भगवान को? ये भगवान के प्रति स्नेह है। भगवान को रेस्ट कराते हैं, भगवान के प्रति स्नेह है। भगवान को कपड़े पहनाते हैं, भगवान के प्रति स्नेह है। तो इस प्रकार से भक्त अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करता है सेवा के माध्यम से। तो भगवान को शयन भी कराते हैं। अच्छा, शयन करते वक्त भी क्या करते हैं? ये भक्तों पे ध्यान लगाते हैं, भगवान भक्तों पे ध्यान लगाते हैं और भक्त भगवान पे ध्यान लगाते हैं। तो शयन करते व्यक्ति ये वास्तव में प्रेम का आदान प्रदान है इनका। तो इसलिए भगवान शयन करते हैं, रेस्ट करते हैं। जैसे अभी चतुर्मास आते हैं, चतुर्मास में जो जुलाई की एकादशी से लेकर के नवंबर की एकादशी तक भगवान रेस्ट कर रहे हैं। 4 महीने भगवान सो गए, कोई सो के दिखा 4 महीने? इसलिए भगवान का सोना भी मधुर है। सुप्तम मधुरम, वल्लभाचार्य जी क्या करें, सुप्तम मधुरम, आपका सोना भी ना मधुर है। वहां सोते भी बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोग सोते कैसे दिखते हैं? भूत लगते हैं हम लोग, बाल खुले यहां से लारे गिर रही है, ऐसे तो सोते हम लोग। हमारा सोना मधुर नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु का तो सोना भी मधुर है। सुप्तम मधुरम, लेटे हैं तो अरे उनका सोना भी मधुर है, वास्तव में सब कुछ मधुर है। तो उनका शयन करना मधुर है। तो शयन क्यों करा रहे? आप जैसे श्रीरंगम में रंगनाथ जी लेटे हुए हैं, कहता वो लेटे नहीं थे, कभी खड़े नहीं होते, कहते नहीं हम तो ऐसे ही हैं, कहते अरे प्रभु लेटे हुए हैं। आप कभी लेट के दिखाओ कभी 24 घंटा, कहते जी अभी कुछ कभी खड़ा कर दो शरीर दुख रहा है, नहीं प्रभु तो लेटे हुए। तो शयन करना भगवान का दिव्य है। मैन इज लाइंग डाउन, सुप्तम मधुरम। यशोदा मैया तो कृष्ण को निहारती रहती है जब वो सो रहे होते हैं कृष्ण, तो यशोदा मैया देखती रहती है, कहते कितना सुंदर है कृष्ण सोते हुए, भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, भगवान बहुत सुंदर, अद्भुत रूप से सुंदर दिखते हैं भगवान। तो भगवान का शयन करना उनकी मधुरता का एक उनका लीला है, भगवान लीलामय है। जो कम बुद्धिमान होते हैं भगवान को लीलामय नहीं जानते, कहते हैं देखो ये साकार रूप लिया है इन्होंने ताकि कम बुद्धिमान लोगों को आकर्षित कर सकें, और कुछ नहीं। अल्टीमेटली धन निरंकार, निराकार। तो निराकार ना तो शयन करता है, ना वो खाता है, और ना उनकी सेवा करने की हमें आवश्यकता है। तो इसलिए फिर ऐसे लोग ध्यान व्यान करते हैं लेकिन प्रभु की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको निराकार मानते हैं। कहते ये हाँ ये राम कृष्ण ये रूप धरे हुए हैं इन्होंने ताकि कम बुद्धिमान लोग हैं ना, ये लोग थोड़ा पूजा अर्चना कर सकें, थोड़ा उनसे जुड़ जाएं। इसलिए हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो हम उस निराकार को मानते हैं। निराकार तो शयन भी नहीं करता, ना कपड़े पहनता, ना खाता है। इस भावना के साथ उद्धव जी गए थे, उनकी सारे ज्ञान को धो दिया गोपियों ने। कहते क्या करेंगे तेरे उस निराकार का, हमें तो वो वंशी वाला वो चाहिए, परम तत्व वो ही चाहिए, उसके बिना हमारा काम चलना नहीं। उनके प्रेम को देख करके उद्धव जी बिक गए। गए थे तो कुछ घंटे में पहुंचे वृंदावन, वापस आते आते 2 महीने लग गए उद्धव जी को, क्योंकि प्रेम में ऐसे बौखलाए, कभी रात यहाँ होता था, कभी रात वहां जाता था, कभी रात यहाँ आगे पीछे, ऐसे करते कराते बड़ी मुश्किल से पहुंचे वापस। तो इसीलिए जो भगवान का शयन करना है ये उनकी लीला है, दिव्य लीला है उनकी। लेकिन हमारा सोना कैसा होता, बड़ा अजीब और गरीब होता है। मेरा जब हरने का ऑपरेशन हुआ था तो एक नर्स आई मेरे पास, और नर्स आके उसको पता लगा कि कोई यंग साधु आया हुआ है, तो आई मेरे पास, मेरे से मिली, कहता अरे कहता है आई केम टू सी यू बिकॉज आई केम टू नो सम यंग स्वामी हैज कम एम्स में।
तो मैंने कहा हाँ जी अब आए हैं, हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं क्या। कहते जो आप लेटे हुए थे ना, मुझे लग रहा था मानो स्वयं महाविष्णु लेटे हों। मैंने कहा लेकिन महाविष्णु को आज तक अभी हर्निया का ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी। तो हमारा सोना जो है भगवान के समान, उनका लेटना उनका सोना भी बहुत दिव्य है, अद्भुत है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, रामायण में आता है कि एक समय भगवान ऐसे शयन कर रहे थे और लक्ष्मी माँ जो है भगवान के चरणों को दबा रही थी। तो भगवान के चरण जो थे अंतशीर्ष से थोड़े से बाहर आए हुए थे, तो एक जो कछुआ था उसने देखा, कहता अरे कितने सुंदर है ये चरण कमल, इनको छू लूँ मैं। ये जो कमल है ना उसका उसके प्रति बड़ा लोलुप होता है कछुआ। तो कछुआ जो है जब ऐसे लोलुप हो रहा था भगवान के चरणों की ओर, तो लक्ष्मी जी ने कहा जहाँ से हटो यहाँ से, कछुए को भेज दिया। कछुए ने बोला लक्ष्मी माँ को, कहता अभी तो आप मुझे आपने चरणों को छूने से मना किया है, आपकी आंखों के सामने चरणों को धोऊंगा मैं। और कह के कछुआ चला गया। और ये श्री राम की लीला में आया, दैट बोटमैन हुआ था बोटमैन केवट, सीता मैया के सामने प्रभु के चरण धोए, सीता मैया के सामने कह देखिए आप मेरी आपके चरण छूते हैं तो अहिल्या जो है वो पशिला जो है वो स्त्री बन जाती। कहते मेरी बोट भी अगर स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी जाई गई काम से। कहते आपकी चरण धुली जाए बड़ी कमाल की है, तो इसलिए पहले तो मैं इनको धोऊंगा फिर आप इसमें आप चरण रखिएगा। तो सीता मैया के सामने चरण धोए और सीता मैया को देखा, कहते देखा पुरानी बात याद है। तो भगवान के भक्त तो प्रभु को शयन करता देख करके भी निहारते हैं।